गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं स्कूल से, तो अभी जल्दी से कुछ खाता पीता हूँ पहले, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज वाली। तो अभी बना रहा हूँ मैं अपने लिए मैगी, तो मैगी खाएंगे सारे भाई मिलके। पता है मैं ज्यादा व्लॉग क्यों नहीं शूट कर पाता, क्योंकि वो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि स्कूल जाना होता है और भी काम होते हैं, तो इसलिए मम्मी कर देती है मेरा थोड़ा बहुत व्लॉग शूट, थोड़ा बहुत चुन्नु मुन्नु सा। अभी आ चुका हूँ मैं स्कूल से और आए हुए बहुत टाइम हो गया, तो ये बनाई है मैंने अपने लिए यिप्पी आज फिर से मम्मी की, कि मम्मी ने कहा कि यिप्पी रखिए वही बना ले, और अभी मम्मी कर रही है यहाँ पे पैकिंग। पैकिंग होनी है ना हमारी, मेरी ये कौन सी पैंट टक रही हो भैया की? मेरी नहीं, तेरी भैया की, उसकी उसे भी जाना ना 17 तारीख को, वो भी जा रहे हैं अलग जा रहे हैं, पर वो अपने दोस्तों के साथ मना रही, तनुज भैया और मैं और मम्मी जा रहे हैं वैष्णो देवी। चीक भाई का कैंसिल हो गया क्योंकि उनके पढ़ गए, पक्का पता नहीं। हाँ पक्का नहीं है आज, हाँ अब पक्का नहीं पता कि जाएंगे या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल है उनके कितनी तारीख से, 16 से 16 या 17 से हैं, और मेरी 16 से पेपर है, पर मैं छोड़ रहा हूँ अपने पेपर, क्योंकि मेरे जो ये हो रहे हैं थर्ड पीटी, तो जिनमें 2 अच्छे मार्क्स आएंगे ना उनके मार्क्स लगेंगे, तो 2 में तो मेरे लगे हुए हैं, पर अब मेरे को छोड़ने पड़ेंगे, क्या करूँ, ट्रिप भी नहीं छोड़ सकते इतने टाइम के बाद जा रहे हैं कहीं, और वो भी बर्फ वाली जगह पे, मैं आज तक नहीं गया भाई बर्फ वाली जगह पे। और मुझे करनी पड़ेगी तनुज की भी पैकिंग, क्योंकि वो 17 को जाएगा, तो उसकी भी पैकिंग मुझे यहाँ से करके तब जाना पड़ेगा, क्योंकि वरना वे लगे रहेंगे खुद। और अभी बन रही है इधर हमारी इप्पी, अभी हम मम्मी वाला प्यार डाल देते हैं इसमें, मुझे पता है ना क्या क्या है। क्या करने आ गए जब मैं बना रहा हूँ? तो मुझे बनानी थी चाय पीनी थी, तो मेरे लिए बना देना, मैं थोड़ी देर बाद पी लूंगा गरम करके, नहीं गरम करके पी लूंगा ना बाद में। अच्छा चल ठीक है। ये तो बन रही है मई इप्पी, उप्पी हुप्पी बन रही है फुप्पी इप्पी। देखो कल मम्मी लेके आई थी ये नई जैकेट, और इतनी सही लग रही है, पर ये लॉन्ग जैकेट है, सही लग रही है। आपको कैसी लग रही है? ज्यादा पसंद नहीं आ रही, लेकिन वहां के मतलब से सही है। गरम है, बहुत मोटी जैकेट है, भारी बहुत है भाई, इसमें कम से कम 2 किलो वजन होगा ना? नहीं वजन नहीं है, मुझे तो भारी लगी, वजन नहीं, नहीं देखने में भारी लग रही है वैसे। हाँ, देखने में। और गाइस वहां पे इससे बहुत ज्यादा ठंड रुक सकती है, वो फिर सोच के कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ और ये हमारी पैकिंग इस बैग में, हम दोनों जन कपड़े हैं, क्या पता इसमें आ जाए, वरना अगर नहीं भी आएंगे ना तो एक और ले लेंगे, है ना, नॉर्मल छोटू सा। मम्मी मैं तो सोच के पागल हो रहा हूँ। अब भाई देखो कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, और परसों हम निकल जाएंगे वैष्णो देवी के लिए, पटनीटॉप जाएंगे पहले, तो उसके बाद वैष्णो देवी जाके वहाँ चढ़ाई करेंगे। तो अभी परसों जैसे हम निकलेंगे शाम को निकल जाएंगे यहाँ से 5 बजे, तो मजा ही लगा जाएगा। पहन के ना ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे बर्फ में ही। क्यों? क्यों? इस जैकेट को देख के ऐसी फील आ रही है। तो जब वहां पे बर्फ में होंगे तब कैसा लगेगा, मजा ही लगाएगा। और गाय 27 तारीख की है मेरी स्कूल पिकनिक। क्यों? हाँ जी क्यों, और क्या, पिकनिक तो जाऊंगा। अच्छा? सब दोस्त जाएंगे वहाँ, पिकनिक तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब घूमने ना जा रहा है तो मम्मी पटनीटॉप पे भी मजा आएगा ना वैसे। मम्मी के कमर में ना बर्फ डाल दूंगा। अच्छा, और मैं तेरे कहाँ डालूंगी? कच्चे में। समझ गया प्यारा। मम्मी मैं तो भाई बर्फ के गोले बना बना के मारूंगा सबकी। अच्छा, वहां का बर्फ ही नहीं मिली फिर क्या होगा, ये तो प्रैंक हो जाएगा भाई साहब। हाँ। भाई सच में अभी चेक करता हूँ भाई वेदर फोरकास्ट में। ना किसी ने बताया आज मुझे कि कोई गया था अभी 3-4 दिन पहले, तो अभी तो वहाँ बर्फ नहीं है, है? फरवरी में पड़ती है। पटनीटॉप में नहीं है बर्फ अभी? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सच में। उसमें वेदर में चेक कर एक बार, वेदर में चेक करो यार मम्मी, ऐसे तो दिमाग खराब हो जाएगा। अजी अभी हमारी आ चुकी है ये प्योर, देखो मम्मी किस में लाई है, कटोरे दान में ले आई, कटोरा दान है, कटोरा आई है, चलो कटोरा लगा लो, तो अभी जल्दी जा खाते हैं। लगाना नहीं है,
कटोरा ही है ये, हाँ बस कुछ तो अभी कटोरे में हम खाते हैं कटोरे दान में, कटोरा है कटोरे में खाते हैं कटोरे दान में, कटोरा ही है, कटोरा ही है या दान नहीं है, दान है। हाँ हाँ यहाँ लो चिपका दो, लो पैर से लो, लो नहीं सोने बाबू के लगा दूँ, सोने बाबू के। चाय आ गो, हाँ जी चाय, चाय विद मैगी, मैगी विद चाय, जो भी समझो, चाय विद दीपी। हाँ सॉरी 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 सॉरी। आज तो बेचारी मम्मी थकी गई, क्योंकि आज मम्मी को बहुत ज्यादा प्रेस करनी पड़ रही है, क्योंकि हम तो वहां चले जाएंगे, पापा यहीं रहेंगे, तो पापा को प्रेस नहीं करनी पड़ेगी, वरना पापा ही करते हैं प्रेस, वरना पापा को ही करनी पड़ेगी। तो ये मम्मी पहले से ही करके जा रही है, पापा के कपड़े भी सब, और हमारी पैकिंग भी सब कुछ। तो चाय तो पी लो पहले, चाय तो पीते रहेंगे, काम होता रहेगा, चाय पीते, ठीक है। इस वाली जींस के साथ क्या पहनेगा? इसके साथ आया क्या था वैसे? ये आई थी वाली टी-शर्ट, टी-शर्ट पहन लूंगा वहां पे। नहीं भाई, तो ये वाइट वाली शर्ट पहन लूंगा। और ये वाली तेरी है या इससे दूसरी वाली तेरी है? दूसरी वाली है, दूसरी वाली, दूसरी वाली है, इससे गुच्ची वाली है। हाँ ये भैया वाली है, चलो ठीक है। और स्ट्रेट फिट के साथ पहनूंगा वो स्वेटर, स्वेटर वाइट वाला है ना, एक और जीन्स जो रखोगी ब्लू वाली उसके साथ, ये वाला स्वेटर, हाँ ये पहनूंगा उसके साथ स्ट्रेट फिट के साथ। और एक और, एक और अगर जीन्स रखो, तीन जीन्स, तीन 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 तीस, तीसरी जीन्स के साथ ये वाली शर्ट, ठीक है। अब पी रही हो चाय है? चाय की चुस्की प्रेस के साथ दे देगी मुस्की, मम्मा भी पियेंगे चाय है ना, वही वहां तो मैं तीन चार कॉपी को और बर्फ के गोले। ओ भाई समय बढ़िया, क्या कह रहे हो जी? ये कह रही हूँ ऐसे काम थोड़ी ना चले। हाँ पूरी आवाज चेंज हो गई, पूरी आवाज चेंज चलेगा जैसे तो बैठा हुआ है, अभी भी पूरी आवाज चेंज है, पूरी की पूरी आवाज चेंज है भैया से। आराम ऐसे काम नहीं चलेगा, देख तू तो लेके बैठ गया फोन को, भाई पूरी आवाज चेंज हो जाती है भाई, ये छोरी ने देखियो पूरी एक्टिंग बाजे, पूरी एक्टिंग बाजे, देखिए जर्सी कितनी जर्सी लाई हो, अरे कहां तो पहले की रखी थी, पहले की है वो, कल लाई हो, ये है नई वाली, ये भी बड़ी महंगी आई थी, ये दोनों चीजें मॉल से लेके आई है, ये छोड़ कहा 650 रुपए की है, और थोड़ा सा झूठ नहीं बोलती हूँ भाई, मम्मी इस मामले में तो झूठ बोल रही है, देखो सच बोलो, मैं झूठ बोलती चल बता, अब बोल रही हूँ पर ठीक है, मैं बताऊंगा ये सच, ओह देखियो मना कर रही है पीछे से, पीछे से ऐसे कर रही है, पीछे से ऐसे कर रही है, 650 रुपए की है ये, ना 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 बेटा खुले रेट है इसके, 1750 के जी नहीं, आप देखना मुझे, मैं वीडियो बंद करूंगा, मारेंगी यार, सुनाएंगी माता जी, जेवाड़ो मेरे दोनों कच्चे रख दो, जेवाड़ो नहीं है ये, बिल्कुल पता है, पता बिल्कुल न्यू है ये, न्यू ये देखना गाइस, हमारी टेक्निक हीटर के सामने रख दो तो कपड़े सूख जाती है ना, ये थोड़े ना ठंडे सते, फिर ना तो हाँ फिर वहां तक भी क्या पता ना ये सूखते, फिर हो गए गम्मी गम्मी होगी ना, गम्मी गम्मी चढ़गी ना गम्मी, मम्मी आपका सही, आप तो नए नए कपड़े भी लेके जा रही हो वहाँ पे, तेरे नए नहीं है? नहीं एक भी जोड़ी नहीं ना है मैंने भैया, मम्मी हमारे अंदर कुछ ऐसा सा रहता है, हमें जब नए कपड़े आते हैं ना तो पहनने का बहुत ज्यादा जिक्र है। गाइस अभी हो चुकी है मेरी पैकिंग इधर डन, भाई साहब ये बैग में तो बस मेरे ही मेरे कपड़े आए हैं, अब मम्मी को ये वाला बैग भी करना पड़ेगा रेडी अपने लिए, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दो दो बैग में हो तो गया कम से कम, वरना अगर हम तीन हो जाते तो तीन बैग लगते हैं ना, अब एक बैग कम पे सब बोझ उतरा। गाइस अब परसों को बच जाएंगे, गाइस मैंने एक बैड न्यूज है गाइस, हमने हम मैंने वहाँ पे देखा वेदर फोरकास्ट, वहाँ पे बर्फ नहीं है पत्नीटॉप में फिलहाल, नहीं है ना तो मम्मा परसों तक कहाँ पड़ेगी, देखा जाएगा जो भी होगा,
ना पड़ेगी तो भैया चलेंगे कहीं और चलेंगे, गुलमर्ग चलेंगे, कश्मीर चलेंगे, वहां से कितनी दूर है कश्मीर, सही सही 5 घंटे का ही तो रास्ता है कश्मीर का, मेट्रो वो ट्रेन पकड़ के चलेंगे कश्मीर गुलमर्ग। ये कैसे खुलेगा? ये बटन है इसमें ऊपर की तरफ। अच्छा ऐसे। ये हम चले, बाय बाय मम्मा, बाय। आ जाओगी कल तक है? कल तक आ लोगे? अभी आ रही, एक मिनट में बाहर रखी हूँ। ठीक है। मम्मी ने दे दी थी मुझे इधर मटर छीलने के लिए, तो मैं ये छील रहा था, और अभी मम्मी ने कर दिया। अपनी पैकिंग होगी ना आपकी भी? हाँ। और तनुज भैया की भी हो गई, पैकिंग हो रही है इधर, हो रही है अभी तनुज भैया की पैकिंग, तो सब जा रहे हैं। चीकू और पापा यहीं पे रहेंगे, वे खाना कहाँ से खाएंगे? ये भी कोई पूछने की बात है, चाची नहीं होता भाई, खाने की दिक्कत नहीं है, है किसी भी चीज की नहीं है। नहीं मेन तो खाना है, मेन खाना है, लेकिन किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, साफ सफाई, कपड़े लत्ते, खाना पीना सब सिस्टम है ना हमारा तो। भाई जब मैं को फिर से मम्मी ने काम बता दिया, बाहर हो रही है ठंड, और मम्मी भेज दिया मुझे दुकान पे, बिकॉज कुछ सामान लाना है। कुछ सामान लाना है तभी जल्दी से लेके आता हूँ, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, मम्मी मेरे को मार के छोड़ सामान क्या दे, सामान बर्फ पड़ रही है, बारिश हो रही है। सामान मैं बताती हूँ, ये मैंने नया सूट सिलवाया था, तो ये है उसकी सलवार वहां ले जाने के लिए, तो इसमें नाड़ा डालना है, तो मैं इसे नाड़ा मंगा रही हूँ, शर्म आ रही बता मेरे, शर्म तो तूने कहा था सामान लेने जा, हम नाड़ा लेने तो बैठ लगाते हो। मम्मी हमें सुनाती है कि सलवार के लिए तो नाड़ा क्यों बोला, ये बात है नहीं, आपने बहुत सी चीजों के लिए आप सुनाती हो, नहीं सुनाती तो ये इतनी वो पर्सनल नहीं है होती भाई, पर्सनल चीज होती होती, जल्दी लेके आ जा फटाफट से। और मचा और अभी कर दिया मैंने, चला जा, और अभी कर दिया मैंने तनुज की भी पैकिंग, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय। पिटाई मांग रहा है भाई। और मैंने बनने रख दी थी अभी थोड़ी देर पहले दाल, क्योंकि मैं कर रही थी ना पैकिंग, तो इस वजह से टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, तो ये बन रही हमारी दाल कुकर में, और बस आप अपना पूजा पाठ करेंगे, कुछ और काम देखेंगे, और आपको बताते रहेंगे। और अभी 6:45 हैं शाम के, और मुझे करीब 2.5 घंटा हो गया पैकिंग करते हुए, क्योंकि ले जाने वाले सभी कपड़ों पे प्रेस करी है, और कुछ सॉक्स वगैरह थी गीली थी वो सुखाई है, कुछ मतलब जो भी जैसा था, कुछ सीले से कपड़े थे रखने वाले, तो वो भी मैंने सुखाए हैं, तो भैया इसी तरीके से काम चल रहा है। और आरव ने मटर छीली थी, और लेकिन अभी थोड़ी सी धारी, तो इसे मैं छील लूँगी, और बस घर की तो यही बातें होती हैं। गुबू पापा के कपड़े दिया यार, मम्मी मेरे को कैसे करोगी आप, मारोगी मुझे नहीं बताओ, जन कितने मर गए आज, तो पत्नी टोक के जाऊंगा आपके साथ, ले जल्दी पकड़, दोनों चीज दे के आनी है। हाँ। ये साड़ी भी प्रेस होती है ओ? घर पे ही कर लो, ये प्रेस रखी तो है, किस टाइम से लग रही प्रेस है तुझा? मैं यार अब अभी और करने ही निकाल लिए मैंने फिर से ड्रेस वगैरह, परेशान हाँ परेशान तू कर दे, परेशान हो जाओगी, देखिए थक जाओगी, और मत करो, लाली थक जाएगी, लाली गांव में ऐसी तो कहते लाली, ए लाली। अभी हम आपको करने जा रहे हैं बोर, और पता है मम्मी क्या कह रही थी कि व्लॉग एंड कर दे, अभी कहाँ करना है, अभी तो बोर करना है इन्हें, क्यों बोर भी तो करना जरूरी नहीं, क्यों करना है बोर, बोर करनी जरूरी होती, वो करनी जरूरी होती है भाई, देखो हम दोनों को शक्ल देखो, ये मम्मी हमारी चाइनीज, और मैं
आंख ज्यादा छोटी आती है वैसे में वीडियो में, इतनी तो नहीं है दोस्त की, तो इतनी है मेरे की मोली। अरे मेरी तो दिखाई नहीं देती, हंसना एक बार। नहीं देख अब ऐसे नॉर्मल हंसने पे फिर भी थोड़ी सी खुल रही है, लेकिन वैसे देखो ना तो बिल्कुल नहीं बंद होती है, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं आई मेरे को तो। अच्छा गाइस कल क्या हुआ? कल 4:30 बजे का सो था, 5 बजे का? 4:30 भाई, 4:30 बजे से सो कर ये नहीं उठा रात में, मैं उठाऊंगा भी नहीं, 14:30 घंटे के बाद उठाऊंगा। ये उठा सुबह स्कूल टाइम पे, मतलब मैं रात उठा था 12:30 बजे, टॉयलेट आ रहा था बहुत तेज वाला, इमरजेंसी थी, 12:30 बज रहे थे तो मैं उठा था रात सुबह 12:30 बजे रात में। फिर मैं सीधा उठा सुबह 6:15 बजे, 6:30 बजे भाई। इतनी पता है मेरी होती कल तबीयत खराब स्कूल में, तो मैं मेडिकल रूम से एक मैंने गोली ली थी, तो गोलियों में नशा तो होता ही है, तो शायद ज्यादा नशे वाली थी, उसमें दारू की बोतल मिला रखी होगी किसी ने। मैं पहले तो स्कूल में सोया लास्ट पीरियड में, फिर घर आके सो गया मैं, तो मम्मी चैन की नींद आई थी भाई। कल इतना कौन सो सकता है, कितने टाइम पे? कल मैं सो रहा था कितने घंटे? 14:30 घंटे बताओ। और इतना उठाया इसे, इतना उठा आनिया भी खूब इसे उठा के चली, भाई साहब ये नहीं उठा बिल्कुल भी, ना खाना खाया कुछ नहीं खाया। फिर सुबह जब स्कूल टाइम पे कहता है, वैसे कभी चाय भी नहीं पी के जाता, कह रहा मम्मी दो रोटी खिला दो, क्या बनाया था रात? मैंने कहा कड़ी, तो अरे वाह दो रोटी खिलाओ, दो रोटी खा के गया सुबह सुबह 6:45 बजे, इतनी जल्दी कौन खाता है रोटी? पहले मैं ना खाया था, फिर रोटी खाई, फिर हम चले गए स्कूल। तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आ गया आज स्कूल में, तो इस व्लॉग को करते गाइस यहीं पर एंड। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।